गाइस अभी हम पहुंच चुके सिलचर के ISBT में। टाइम हो रहा है 5:20 और हो रहा है हमारा बस स्टैंड। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, होप करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है ना कि आज हम जाने वाले हैं गुवाहाटी अपने न्यू कार की डिलीवरी लेने के लिए। फिलहाल शोरूम वालों ने कॉल किया हमें और बताया कि सर आपका जो कार है वो आ गया है, आप डिलीवरी लेने के लिए आ जाइए। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे पापा जा रहे हैं और मेरे बड़े भाई जा रहे हैं डिलीवरी लेने के लिए, गुवाहाटी जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आसाम में बहुत ज़्यादा फ्लड हुआ था, तो उसी कारण ट्रेन अभी बंद है, तो हम लोग जा रहे हैं बस से। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ अपने टेरेस के ऊपर, क्योंकि मेरे रूम में अंधेरा है, इतना वीडियो इतना अच्छे से बनता नहीं है, तो मैं अपने टेरेस पे आके वीडियो बनाता हूँ। और आज का मौसम आपको दिखा दूँ, बहुत ही बढ़िया मौसम हुआ है आज का। तो फिलहाल चलते हैं नीचे और पैकिंग वगैरह करते हैं और निकलते हैं गुवाहाटी के लिए। तो गाइस अभी हम तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक ही बैग पैक किया, क्योंकि ज़्यादा दिन हमें वहाँ नहीं रहना है। और शूज़ अभी तक पहना नहीं, शूज़ पहनने वाला हूँ अपना बाका बुजी का, भाई मस्त क्वालिटी है इसका। और फिर निकलते हैं गुवाहाटी के। तो आपको ये पानी देख के लग रहा होगा ना कि ये कोई नदी है, लेकिन ये कोई नदी नहीं है। आसाम में जो फ्लड हुआ था ना, ये उसी का पानी जमा हुआ है खेतों में। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके सिलचर के ISBT में और वो रहा हमारा बस। अभी आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा। अमूल कुल मिलेगा? हाँ मिलेगा। हाँ एक अमूल कुल और एक बोतल पानी, कांच वाला दे दो। हाँ एक दे दो और एक बोतल पानी। नहीं नहीं गाइस अभी जो बस आप पीछे देख रहे हो वही हमारा बस है, और भैया भी बैठ गए और उनको चाहिए अभी अमूल कूल। बहुत ज़्यादा गर्मी है और मौसम दिखा देता हूँ, पूरा बारिश वाला मौसम है। टाइम हो रहा है 5:20 और वो रहा हमारा बस पीछे ही खड़ी है, और हम लोग ट्रेवल करेंगे रात को, तो इतना कुछ आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो गाइस अभी हमने बस में ले लिए ये सब चीजें, बहुत बढ़िया। और भैया भी आ रहे हैं, खा के आ रहे हैं भाई। सो गाइस अभी बस छूट चुकी है, आप देख सकते हो, और पापा बैठे वहाँ पे, पापा का सीट वहाँ है और भैया बैठे पीछे, उनका सीट यहाँ है लेकिन मेरे साइड पे, लेकिन वो पीछे बैठे क्योंकि पीछे सीट खाली है और विंडो सीट है। गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:20 शाम के और लगभग अंधेरा हो ही गया है, थोड़ी ही देर में रात भी हो जाएगा, तो इतना वीडियो शूट नहीं करने वाला क्योंकि रात को आपको क्या ही दिखाऊं। लेकिन सुबह जो आपको दिखाने वाला, जो इतने प्यारे प्यारे मेघालय रोड्स के नज़ारे हैं ना, वो दिखाने वाला हूँ। अगर वो भी देख के वीडियो लाइक नहीं करोगे तो मैं और कुछ नहीं बोलने वाला। चलिए सोते हैं, अभी सुबह मिलते हैं। गुड नाइट गाइस। गुड मॉर्निंग, और सुबह हो चुका है और अभी हम लगभग 3 घंटे में पहुँच जाएंगे पूरा गुवाहाटी, और बहुत सारी बस अभी भी जा रहे हैं। मेघालय का जो सीन है ना भाई, बहुत ही बढ़िया लोग आप देख सकते हो, और जो रोड्स है ना भाई, 3 घंटे में लगभग हम गुवाहाटी पहुँच जाएंगे, उसके बाद का सीन क्या है आप देखिए। सो गाइस अभी हम लोगों ने मेघालय स्टेट में एंटर कर लिया है, और वो जो चर्च दिख रहा है, वो जो घरें दिख रहे हैं, ये सब मेघालय स्टेट के हैं।
ये रहा हमारा फर्स्ट टोल प्लाजा जो कि हमने क्रॉस कर लिया है अभी। सो गाइस अभी हम रुके हुए हैं चाय नाश्ता करने, मैं नहीं बाकी लोग करे क्योंकि प्रश्न ही किया है ना मैंने। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ईस्ट काशी हिल डिस्ट्रिक्ट जो कि मेघालय में पड़ता है, लवाई धाबा में सब लोग रुके हुए मास्टर होटल। भाई नाम देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? माउराइंग गैंग। गाइस जब भी आप गुवाहाटी आओ ना, आप कुछ इन्जॉय करो या ना करो, आपको ये नज़ारे बहुत इन्जॉय करने को मिलेंगे। और ये प्यारे प्यारे रोड्स भाई क्या ही बताऊँ। और तो अभी आपको वो दिख रहा है, वो जो ट्रक और बसेस वहाँ पे है, हमें वहाँ जाना है। बस वहीं से जाएगी, एक टर्निंग है बहुत बढ़िया टर्निंग, वहाँ पे पुल, पुल के नीचे बहुत प्यारी सी नदी है, वो भी आपको अभी दिखाऊँगा। तो ये रहा वो टर्निंग और वो देख सकते हो पुल। और गाइस ये देखिए नीचे इतने प्यारा सा एक नदी है, पानी तो जा नहीं रहा, रुका हुआ है पानी, लेकिन बहुत प्यारा है। भाई वो कितना सुंदर लग रहा है, इतने सारे घर एक ही पहाड़ में, एक पहाड़ नहीं पूरा सिटी है ये शायद, ये बहुत बढ़िया लग रहा है यार, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में। नींद खुलने की कोशिश, यहाँ पे वैसे भी नींद आया नहीं रात को मुझे अच्छे से। और यहाँ पे अपना आ गया सेकंड टोल प्लाजा। इतने बढ़िया रोड के लिए पैसे लेते हैं ये लोग, वाकई रोड बहुत ही बढ़िया यार, ऐसे ही पैसे नहीं लेते ये लोग। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी पल्टन बाजार पे, और हम लोग फ्रेश भी हो चुके हैं, और फिलहाल हम जाएंगे नाश्ता वगैरह करेंगे और सीधे चलेंगे मारुति सुजुकी के शोरूम के। और सो ये रहा वो होटल जिसमें खाना खाने आए, लग तो अच्छा ही रहा है, अब खाना कैसा होगा क्या पता, वो तो खा के ही पता चलेगा। और फिलहाल के लिए मैंने ऑर्डर किया है चिकन, तो चिकन खाते फिर चलते। पनीर होगा। सो गाइस खाना वाना हो गया हमारा, तो अभी हम सीधे आ गए हैं शोरूम विमल ऑटोस मारुति सुजुकी के। फिलहाल हम बैठे हुए हैं यहाँ पे और उनका वेट कर रहे हैं जिनसे हमारी बात हुई है कार के लिए। और गाइस आप लोग सोच रहे हो कि कार कौन सा होगा कौन सा होगा, तो ये देख सकते हैं ये एल्टो 800 वाइट वाला या फिर ब्लैक वाला, इनमें से कोई सा भी। सो गाइस मजाक कर रहा हूँ, एल्टो नहीं लेने वाले, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि हम कौन सी कार ले रहे हैं।